हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अगर आप मुंबई में हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि एक दिन या दो दिन की छुट्टी के लिए कहां जाया जाए, तो ये वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं मुंबई के आसपास की वो सारी जगह जहां पे आपको फैमिली और फ्रेंड के साथ जाके मजा आ जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वहां पे आप बजट होटल कौन सा ले सकते हैं और लग्जरी होटल कौन सा ले सकते हैं बेसिस आर ओन एक्सपीरियंस। सो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस की बात हो और हम लोनावला से शुरू ना करें, इसमें मजा नहीं आएगा। सो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को लोनावला से ही। तो लोनावला मुंबई से कुछ 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचने के लिए आप ट्रेन बाय रोड जा सकते हैं। वैसे तो अपने अच्छे क्लाइमेट के चलते लोनावला हर सीजन में अच्छा होता है, लेकिन जो बेस्ट सीजन यहाँ पे विजिट करने का होता है वो है आपका विंटर्स और रेनी सीजन। लोनावला जा रहे हैं और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे रुककर आपने अगर कोथंबीर वड़ी नहीं खाई तो अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ मिस किया। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टर्निंग पॉइंट यहाँ पे, लेकिन आ तो है, बाकी दिखेगा कुछ नहीं, बट पूरा इधर फॉग फॉग और क्लाउड सब कुछ है। बस यहाँ पे थोड़ी देर मजे करेंगे, खाएंगे पियेंगे और फिर लोनावला में रुकने के लिए आपको 1,000 रुपीज पर नाइट से लेकर 30,000 रुपए पर नाइट तक के हर टाइप के रूम्स मिलेंगे। हम लोग वहां पर रुके थे डेला रिसॉर्ट्स में, जिसका आपको एक क्विक रूम टूर दे देते हैं इसी वीडियो के अंदर। बाहर देखिए, सबसे पहले टेबल चेयर यहां बैठ के रिलैक्स करने के लिए, फिर यहां पर एक टेबल रखी है जिसपे आपका फूड और स्पा का मेन्यू है यहां पे, और ये भी एक कुछ है और कुछ तो है। यहां पे पानी वगैरह सर्व किया है, लैंप है, ये कर्टन्स बढ़िया एकदम, दो सोफे दिए इन लोगों ने, बहुत ही सुंदर सा बेड, बहुत ही सुंदर सा बेड, और ऊपर से देखिए पूरा एकदम टेंट का फील है इसके अंदर। यहाँ पे टीवी, स्नेहा सामान रखने की जगह, बहुत ही सुंदर रूम बनाया है, बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। और ये वाला जो है सामने आपको दिख रहा है, ये कबर्ड है, और कबर्ड के साथ यहाँ पे वॉशरूम एरिया पूरा, और तुम्हारा भाई आज इसमें नहाने वाला है, मस्त एकदम नहाएंगे इसके अंदर। बहुत ही सुंदर रूम, बहुत ही अच्छा रूम। कपल्स के लिए डेला रिसॉर्ट इज द बेस्ट चॉइस, बट अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जा रहे हैं या आप एक बहुत बड़ी फैमिली लेके जा रहे हैं जहाँ पे 6-7 लोग हैं, उसके लिए है ये विला जो है लोनावला हाईवे के जस्ट पास। दिस 3 BHK विला कम्स विद अ ब्यूटीफुल पूल एंड अ फुल्ली फंक्शनल किचन। आप इसे डेफिनेटली अपने नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। मुंबई से घूमने निकले और आपने महाबलेश्वर में मैप्रो गार्डन की स्ट्रॉबेरी क्रीम नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। इट्स अ वुडन कॉटेज, यहाँ पे बैठने के लिए बाहर दो चेयर्स दे रखी हैं विद अ टेबल, देन यहाँ पे है ये शानदार सा बेड, अंदर पूरा वुडन आर्किटेक्चर, देन ये एसी और ये टीवी। रिसॉर्ट की सबसे खास बात है इसका ये चमकता हुआ पूल जो कि बहुत ही सुंदर है, और यहाँ से जो वैली व्यू है वो तो माइंड ब्लोइंग है। मोस्ट ब्यूटीफुल बजट रिसॉर्ट ऑफ महाबलेश्वर। इफ यू वांट टू गो फॉर लग्जरी स्टे देन एवरशाइन रिसॉर्ट इज द ऑप्शन फॉर यू। यहाँ का खाना इतना ज्यादा अच्छा है कि ये रिसॉर्ट हमारा एक फेवरेट स्पॉट बन गया है महाबलेश्वर में रुकने के लिए। यहाँ पर आपको 5-star वाली हॉस्पिटैलिटी तो मिलेगी ही सही, साथ में काफी सारी एक्टिविटीज भी है जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं महाबलेश्वर में घूमने के लिए क्या क्या है। हम लोग आए हैं द वेरी फेमस मिनी कश्मीर ऑफ महाराष्ट्र बोल दीजिए, मिनी कश्मीर ऑफ इंडिया बोल दीजिए, जो है तापोला लेक। ये है महाबलेश्वर से कुछ 25-26 किलोमीटर की दूरी पर, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे एक लेक आप बोल सकते हैं, वो लेक बीच में से निकल रहा है, आसपास पूरे पहाड़ जिन पे एकदम हरे हरे से पेड़, और यहाँ पर होती है बोट राइड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल इस लेक को बना देती है। काफी छोटी छोटी सी बोट्स और स्पीड बोट्स यहाँ पर चल रही हैं। तो यह है तापोला लेक, AKA मिनी कश्मीर ऑफ महाराष्ट्र। ये पूरा कच्चा रास्ता है यहाँ पे जाने के लिए, और हमें पहुँचना है ऊपर जो लेग है वहाँ तक,
स्नेहा एकदम मस्त टूरिस्टी वाली फीलिंग लेके जा रही है. दिस इज द व्यू फ्रॉम फोर्ट प्रतापगढ़. हमने वहाँ दूर कहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करी है, पता नहीं दिखी नहीं रही है. सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एलिफेंट्स हेड पॉइंट एंड लॉडविक पॉइंट, जो कि है 800 एंड 500 मीटर्स रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे छोटे छोटे से मंकीज हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ध्यान रखें अपने सामान का, लेके बाहर जाते हैं अदरवाइज. यहाँ पे वॉक करने में जो मजा आ रहा है उतना ही ज्यादा पेन हम लोगों को जब हम लोग प्रतापगढ़ फोर्ट जा रहे थे तब आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा अगर आप देखेंगे पीछे तो पेड़ पूरे ऐसे इन लोगों ने लगाए हैं या अपने आप लगे हैं, उसके बीच में इन लोगों ने रास्ता बनाया है कि ऐसा है बिल्कुल कि मतलब पेड़ ऊपर से पूरे ढाक रखे हैं और आप यहाँ से वॉक करके जा रहे हो. सो एटलीस्ट ये थोड़ा सा प्लेजेंट वॉक है और थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ पे भी है, पीछे थोड़ा सा हाइट है, बट एटलीस्ट छाया है तो इसलिए चलने में ईजी हो रहा है. आगे जाके देखते हैं इज इट वर्थ इतना वॉक और नॉट. चलो नेक्स्ट इज वैना लेक, जहां पे आप बोटिंग कर सकते हैं. इसके पास में एक ओपन फील्ड है जहां पर हॉर्स राइडिंग होती है, वहां पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं और आसपास काफी सारे हॉकर्स हैं जहां पे आप खाने की चटपटी चीजें खा सकते हैं, खरीद के अपने लिए लेके आ सकते हैं. वैना लेक से टूवर्ड्स पंचगनी हम लोग रास्ते में जा रहे थे और हमें भूख लगी तो हम लोग बस यहाँ पे रुके हैं कोमड़ी बड़े खाने के लिए, तो मोस्टली वही खाएंगे. सो हम लोग यहाँ पे आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर भी आए थे बिफोर कोविड, तब भी हमने सेम यहीं पे खाना खाया था एंड हम लोग को यहाँ के कोमड़ी बड़े पसंद आए थे, तो लेट्स सी अगर अवेलेबल है तो वही खाएंगे. चिकन सूखा, ग्रेवी, आई थिंक कुछ दाल चावल एंड ये हम लोग भूखी. यू टेस्ट एंड टेल हाउ हाउ इज द टेस्ट, हाउ इज द जोश. चाय हाउ इज द चिकन. Nice. Last year जैसा ही उससे अच्छा है. चलो मैं भी खा लेता हूँ फटाक से. ये क्या चीज है? सूप. ठीक है चलो. महाबलेश्वर दो चीजों के लिए फेमस है, स्ट्रॉबेरी एंड मैप्रो. सो महाबलेश्वर आए और अगर मैप्रो नहीं गए तो आपकी महाबलेश्वर की जो ट्रिप है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी. तो चलिए देखते हैं अंदर यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं. Another beautiful place to visit near Mumbai is Mathiran, which is Asia's only automobile-free hill station. This beautiful hill station is famous for leather and, of course, the toy train. यहाँ पहुँचने के दो तरीके हैं. पहला, आप अपनी पर्सनल व्हीकल लें और उससे आप दस्तूरी तक जाएं और वहाँ से आप ऊपर की चढ़ाई करें, चाहे आप टॉय ट्रेन से जाएं, चाहे आप घोड़े से जाएं. दूसरा, आप हमारी तरह पहले ट्रेन लें, उससे नेरल पहुंचे, वहां से शेयर टैक्सी लें दस्तूरी तक और उसके बाद आप अपना आगे की चढ़ाई पूरी करें. तो माथेरन में हम लोग रुकने वाले हैं अडामो द विलेज में और ये ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय स्नेहा. मुझे पूरा सरप्राइज दिया, ये थक गई चल चल के. यह है अडामो द विलेज का छोटा सा बट क्यूट सा रूम. रूम काफी छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, बट यहाँ की खास बात यह थी कि हमने यहाँ पे फुल बोर्ड लिया था विच वॉज समवेयर अराउंड 6500 फॉर द कपल. उसमें चार मील्स आपकी थी, लंच, हाई टी, डिनर एंड नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट. खाना बहुत अच्छा था. रूम साइज अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो शायद ये स्टे बहुत अच्छा हो जाता, बट नेवरदलेस अ गुड स्टे. माथेरन एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है और यहाँ पे आप मानिए हमेशा क्लाउड से घिरे रहते हैं. यहां पर आपको घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट है.
लेकिन जो सबसे खास था वो था ये पॉइंट। नेक्स्ट लोकेशन नियर मुंबई इज वाड़ा, जो फेमस है अपने इस रिजॉर्ट के कारण, और अंशावियो फेमस है अपने यूनिक थीम बेस्ड रूम्स के कारण। हम यहाँ पर रुके थे स्टोन एज रूम के अंदर, जो दिखता है कुछ इस तरह। यहाँ पे बहुत सारे थीम बेस्ड रूम्स हैं, उसमें से जो सबसे खास है वो है ये सारे। नेक्स्ट लोकेशन इज करजत, जो फेमस है अपनी ग्रीनरी और अपने इन्यूमरस वाटरफॉल्स के लिए। यहाँ पे आप रुक सकते हैं सगुना बाग में, जो है एक एग्रो टूरिज्म फार्म। यहाँ पे आप एक प्रॉपर विलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे डे ट्रिप भी मार सकते हैं, और अगर आपको ओवरनाइट स्टे करना है तो आप डेफिनेटली उसी रूम में रुके जहां पर हम रुके थे, और वो था कुछ इस तरह। सगुना बाग एक पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, जहां पर आप नेचर के बिल्कुल करीब होते हो। इसके अलावा करजत में एक और फेमस प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सॉल्ट, वो अपने डे ट्रिप के लिए फेमस है। वहां पे एंट्री फीस देना होती है 5000 रुपीज पर कपल, जो आप खाने और ड्रिंक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन नियर मुंबई इज भंडारधारा, विच इज फेमस फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक। यहां पे हम दो रिजॉर्ट्स में रुके थे। सबसे पहला था आनंदवन, जो कि यहाँ का सबसे लग्जूरियस रिजॉर्ट, एक हिलटॉप पे बना हुआ है, और यहाँ के कुछ रूम्स हैं जो लेक फेसिंग है। नेक्स्ट हम लोग रुके थे वाइल्ड रूट्स में, जो एक ब्यूटीफुल रिवर साइड कॉटेज। यहां के रूम्स थीम बेस्ड और काफी स्पेशियस थे। पूरे भंडारधारा में चार होटल्स हैं जो काफी फेमस हैं। फर्स्ट वन इज आनंदवन, सेकंड वन इज वाइल्ड रूट्स, थर्ड वन इज यश, एंड फोर्थ वन इज आनंद रिजॉर्ट। ये चारों रिजॉर्ट में एक चीज कॉमन है, यहाँ के जो ओनर है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर जो खाना मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है दोस्तों। ट्रस्ट मी, मजा आ गया है पर हम लोग को खाना खाकर। नेक्स्ट लोकेशन इज अलीबाग या काशिद। यहां पर जाने के लिए आप M2M फेरी ले सकते हैं, जो यहां से आपको एग्जैक्टली 1 आवर में मुंबई से अलीबाग पहुंचाती है, और वहां पर जाके आप बीच में कुछ इस तरह मस्ती कर सकते हैं। So, ये थी मुंबई के आसपास की सारी जगह जहां पर आप एक दिन दो दिन के लिए जा सकते हैं, या फिर आप डे ट्रिप्स भी मार सकते हैं इसमें से किसी किसी लोकेशन पर। इनमें से कौन कौन सी लोकेशन पर आप अभी तक जा चुके हैं वो एक बार आप कमेंट में बताइए, और कौन कौन सी लोकेशंस ऐसी हैं जो पेंडिंग है, आपको वहां पर जाना है, और इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से हेल्प किया है तो आप जरूर से कमेंट में मेंशन करें। अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और रिकमेंडेशंस हमारी तरफ से मिलते रहें। एंड यस, एज वी ऑलवेज से, डोंट सेटल फॉर एवरेज बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।